2012 के परिसीमन में बनी वाराणसी की रोहनिया सीट पटेल बहुल्य सीट मानी जाती है। यहां से सभी पार्टियों ने पटेल उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन पटेल समाज किसे अपना नेता चुनती है, किसके पक्ष में वोट डालती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है और इसी को तलाशती है हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, दो हजार बारह के परिसीमन के बाद कैंट विधानसभा के कई क्षेत्रों को काटकर रोहनिया विधानसभा बनी। इस सीट पर 2017 में भाजपा जीती थी। इस बार भाजपा और अपना दल इस गठबंधन के डॉक्टर सुनील पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें योगी और मोदी की विकास योजनाओं पर भरोसा है और इस बात का भी कि इस विधानसभा से पटेल बिरादरी शुरू से अनुप्रिया पटेल का साथ दे रही है, लिहाजा इस बार भी ऐसा ही होगा। पटेल समाज हमेशा अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में खड़ा रहा है और संघर्ष कर रहा है, और हम ये नहीं मानते कि कैमरावादी के साथ पटेल समाज है। एक तरफा पूरा पटेल समाज अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उनके आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का अपना दल कमेरावादी से गठबंधन है और उनके उम्मीदवार हैं अभय पटेल। इस सीट से 2021 में हुए पहले चुनाव में अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना दल का गठबंधन हुआ और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद चुनी गयी। 2014 में उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में सपा जीती। 2017 में यह सीट भाजपा की झोली में आई। इस बार सपा गठबंधन के प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं। पटेल सभी लोगों ने उतारा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पटेल की संख्या भारी है और सभी लोगों ने अपना अपना जो दांव है वो लगाया है, लेकिन आपको बता दें, राजमाता माननी कृष्णा पटेल जी माता हैं, और तो लोग बाहर कुछ भी हैं तो उनसे हैं। अब माता का दर्जा सदैव सर्वोपरि होता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोहनिया विधानसभा माता जी के आशीर्वाद से सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और रोहनिया विधानसभा में माननीय माता जी के आदेश पर, माता जी के निर्देश पर अभय पटेल को विधायक बनाने के लिए सभी पटेलों ने अपना एक मन बना लिया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सीट पर तकरीबन 4 लाख मतदाता हैं, 1.25 लाख पटेल, 40-40 हजार दलित और भूमिहार, तो राजभर यादव ब्राह्मण और मुस्लिम 30-30 हजार के आसपास हैं, मौर्य लगभग 15 हजार। इसके अलावा बिंद, लोहार, प्रजापति, विश्वकर्मा, मुसहर जैसी जातियां मिलाकर लगभग 1 लाख के करीब हैं। कांग्रेस के पटेल कहते हैं कि उनकी पार्टी सभी जातियों को लेकर चलती है, लिहाजा पटेल के अलावा दूसरी जातियां उन्हीं को वोट देंगे। इस बार किसी का लहर नहीं है, इस बार यहाँ रोहनिया विधानसभा में व्यक्ति और व्यक्तित्व का चुनाव है। देखिये, पटेल बाहुल क्षेत्र है और हम भी जात के पटेल हैं, मगर हम पटेल के जाति के हैं, मगर हम ऐसी पार्टी से हैं जिस पार्टी में जाति और धर्म का कोई मतलब, मजहब का कोई मतलब है नहीं। सारे जाति, समस्त वर्ग के लोग और हर लोग मेरे साथ हैं। रोहनिया के लेबर चौक पर भाजपा के प्रचार की गाड़ी लगी है। मजदूर अपनी दिहाड़ी के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पढ़ते भी हैं, बेरोजगारी है। यहाँ हमारी मुलाकात चंदन शर्मा से हुई, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं है, लिहाजा मजदूरी करते हैं। इनके लिए मुद्दा जाति नहीं बल्कि रोजगार है। सर अब क्या बताएं, ये रोजगारी चले, काम धाम नहीं मिल रहा है सर, यही सर, गरीब लोग मर रहे हैं सर। हम लोग रोजगारी पढ़ लिख के हम क्या कर रहे हैं बताइए सर। हम लोग पढ़ते भी हैं, बेरोजगारी यही है सर। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर टिकट का बंटवारा नहीं होता, तभी तो भाजपा, कांग्रेस, सपा ही नहीं बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी पटेल उम्मीदवार ही यहां से खड़े किए हैं। पटेल बिरादरी की बहुतायत वाली रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों का
पटेल बिरादरी के प्रत्याशी पर भरोसा जताना एक तरफ, जहां ये बताता है कि किस कदर सभी पार्टियां पूर्वांचल में पटेल बिरादरी को साधने में जुटी है, तो वहीं ये भी दिखाता है कि पूर्वांचल में सभी पार्टियां छोटी छोटी जातियों के नैया पर सवार होकर चुनावी बैतरणी पार करना चाहती हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि किसकी नैया पार होती है और किसकी नहीं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।